द कलर आउट ऑफ स्पेस। द कलर आउट ऑफ स्पेस फिल्म 2019 में आई थी, जो एक हॉरर साईफाई फिल्म है जिसका वॉच टाइम है 1 घंटा 51 मिनट और इसको आईएमडीबी पर 6.2 की रेटिंग मिली है। इसके डायरेक्टर हैं रिचार्ड स्टेनले और मुख्य किरदार अदा किए हैं निकोलस केज, जॉली रिचार्डसन और मेडलिन अर्थर ने। फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन रहा है $10,23,510। फिल्म की शुरुआत में लविनिया नाम की एक लड़की को दिखाया गया है जो उस समय रिचुअल कर रही थी। वह बार बार एक लाइन दोहरा रही थी कि मेरी माँ जल्द ही ठीक हो जाए और हम इस जगह को छोड़कर चले जाएंगे। दरअसल लविनिया की माँ कैंसर से पीड़ित थी। अचानक कोई लविनिया को आवाज देता है। जब वह वापस चेक करने के लिए मुड़ती है तो उसके पास एक अनजान व्यक्ति आता है। लविनिया उसे बताती है कि यह एक प्राइवेट क्षेत्र है और यहाँ आना प्रतिबंधित है। तब वह लड़का अपना नाम वार्ड बताता है। फिर लविनिया वहाँ से निकलने लगती है। फिर वार्ड नाम का वह लड़का उसे रोकते हुए अपनी विजिटिंग कार्ड देता है। इसके बाद लविनिया अपने घर लौट आती है। घर लौटने पर उसके पिता उसे हेलमेट नहीं लगाने के लिए डांटते हैं। इसके बाद लविनिया पोल्ट्री हाउस जाती है जहाँ उसका भाई धूम्रपान कर रहा था। उसे देखकर लविनिया आग बबूला हो जाती है और वह वहाँ से चली जाती है। तभी वह देखती है कि उसका छोटा भाई एक कुएं के पास खड़ा है। जब लविनिया उसके पास जाती है तो वह कहता है कि दादाजी कहते थे कि इस कुएं में तारे दिखाई देते हैं। तब लविनिया बताती है कि यह बेकार की बात है। तभी वह परिवार डाइनिंग टेबल पर नजर आते हैं। उनके पिता ने आज उनके लिए बतख पकाई थी। उसे देखकर हर कोई खराब एक्सप्रेशन देता है क्योंकि यह डिश किसी को पसंद नहीं आई। इसके बाद लविनिया की माँ को दिखाया जाता है जो कि स्टॉक ब्रोकर होती है, जो उस समय अपने क्लाइंट के साथ डील कर रही थी। इसके बाद उसका पति उसे खाना खाने के लिए बुलाता है। उस वक्त लविनिया की माँ गुस्से में दिख रही थी। उनका कहना है कि इंटरनेट ठीक से कनेक्ट नहीं हो रहा है, कृपया इसका कुछ करें नहीं तो मेरे क्लाइंट मुझे छोड़ देंगे। इसके बाद लविनिया के छोटे भाई को दिखाया गया है जो बाहर खड़े होकर कुछ देख रहा था। अचानक एक गुलाबी रोशनी चमकने लगती है। ये देखकर लविनिया के भाई को दिखाया जाता है। वह चिल्लाने लगता है और उसकी आवाज़ सुनकर सभी दौड़ पड़ते हैं। फिर चेक करने पर उन्हें उल्कापिंड जैसा कुछ मिलता है और वह गुलाबी रोशनी उत्सर्जित कर रहा था। वहां से भी काफ़ी दुर्गंध आ रही है। इसके बाद वे लविनिया के भाई को अंदर ले आते हैं। अब लविनिया की माँ अपने पति से कहती है कि हमें उसे अस्पताल ले जाना चाहिए क्योंकि वह ठीक नहीं लग रहा है। लविनिया के पिता यह सुनकर कहते हैं कि वह केवल डरा हुआ है और अस्पताल भी घर से काफ़ी दूरी पर है, मुझे लगता है कि उसे कुछ आराम की ज़रूरत है, आराम करने से वह ठीक हो जाएगा। अगले दिन पुलिस अधिकारी उनके घर पहुँचते हैं और लविनिया के पिता उन्हें पिछली रात की घटना के बारे में बताते हैं। वह बताते हैं कि यह उल्कापिंड कल गुलाबी रंग का उत्सर्जन कर रहा था, अब सिर्फ धुआं है। वार्ड नाम का लड़का भी यहाँ पहुँच गया है और लविनिया ने उसे उसके पिता से मिलवाया। वार्ड पेशे से हाइड्रोलॉजिस्ट है तो पुलिस उससे पूछती है कि क्या आपको इसके बारे में कोई जानकारी है। इस पर वार्ड कहता है शायद यह एक गिरा हुआ तारा है। इसके बाद लविनिया के पिता वार्ड को अपने जानवर दिखाते हैं और वह बताते हैं कि वे आजकल बीमार रहने लगे हैं। फिर वार्ड पूछता है क्या इस इलाके में कोई और भी रहता है। वास्तव में मैं पूरे क्षेत्र के पानी की जांच करना चाहता हूँ, मैं यहाँ कुछ दिन रहने जा रहा हूँ। तब लविनिया के पिता उसे एक बूढ़े आदमी के पास जाने के लिए कहते हैं जो यहाँ से कुछ दूरी पर रहता है। फिर लविनिया का भाई उसे वहाँ से ले जाता है। वार्ड यहाँ कैमरे और माइक देखता है। तब लविनिया का भाई उसे बताता है कि बूढ़ा आदमी वास्तव में एक बिजली मिस्त्री है, इसलिए उसे ये सब पसंद है। इसके बाद वे सब बूढ़े आदमी के घर चले जाते हैं। फिर बूढ़ा पूछता है वार्ड क्या आप हाइड्रोलॉजिस्ट हैं। फिर वार्ड हैरान होते हुए पूछता है आपको इस बारे में कैसे पता चला। उस पर वह बूढ़ा कहता है कि मैं इस इलाके की सारी खबर रखता हूँ। लविनिया के भाई का कहना है कि इस जगह का पानी रहस्यमय लग रहा है, इसलिए वह इस जगह का पानी नहीं पीता। वार्ड का कहना है कि मैं यहाँ के पानी का सैंपल लेकर लैब में भेजता हूँ। इसके बाद बारिश होती है और लविनिया दिखाई जाती है। वह बारिश में नहा रही थी। यहाँ देखने में आता है कि वह उल्कापिंड बिजली को आकर्षित कर रहा है। तब लविनिया कहती है कितना सुंदर नजारा है। तब लविनिया के पिता भी
वहां आकर देखते हैं कि उल्कापिंड बिजली को कैसे आकर्षित कर रहा है। फिर वार्ड दिखाई देता है जो पानी का पीएच माप रहा था। अगली सुबह लविना के माता पिता को उल्कापिंड कहीं नहीं नजर आता। इस पर लविना की माँ कहती है, थैंक गॉड वो यहाँ से गायब हो गए। तभी मीडिया वाले भी वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर वह परिवार रात में समाचार देखता है कि मीडिया भी उस अज्ञात वस्तु को यूएफओ घोषित कर देता है। लविना के पिता अपनी पत्नी को बाहर बुला रहे हैं, लेकिन वह नहीं आती। तभी लविना का छोटा भाई उसे बुलाने जाता है। तब तक लविना की माँ ने उंगली काट दी थी। तब लविना के भाई ने तुरंत अपने पिता को बुलाया। फिर लविना के पिता अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर कार में बिठाते हैं और वह अपने बड़े पुत्र से कहता है कि जब तक हम लौट न आए अपने भाई बहनों का ध्यान रखना। अगली सुबह लविन्या दिखाई जाती है। वह अपने छोटे भाई की ओर देखती है और उसे पूछती है कि यह क्या कर रहा है। इस पर उसका भाई जवाब देता है कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि वहाँ उनके भाई के अलावा कोई नहीं था। इसे देखकर लविन्या अपने पिता से संपर्क करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन नेटवर्किंग की समस्या के कारण संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिर लविन्या का भाई बगीचे में एक रहस्यमय जानवर से मिलता है। लविन्या अपनी माँ के खून से सने चाकू की तलाश कर रही है। अचानक उसने देखा कि पूरा सिंक पानी से भर गया है और इस पानी का रंग लाल है। अब वह सिंक पानी से भर गया था। लविन्या इसे देखकर उल्टी करने लगती है। तभी वार्ड उसके घर आकर पूछता है, क्या तुम ठीक हो? लविन्या उसे कहती है, अभी जाओ, मैं इस समय आपसे बात नहीं कर सकती। फिर वार्ड भी उसे बगीचे में देखता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह बताता है कि मैं अपने दोस्त के साथ खेल रहा हूँ, लेकिन वहाँ कोई नहीं है। फिर वार्ड फिर से उस बूढ़े आदमी के घर जाता है। बूढ़ा आदमी यहाँ वार्ड को कुछ बताता है। वह बताता है कि एलियंस भूमिगत रहते हैं। फिर वह बूढ़ा आदमी वार्ड को हेडफोन थमा देता है। उसमें से रहस्यमय आवाजें आ रही थी। बूढ़ा बताता है कि कुछ दिनों से भूमि के अंदर से रहस्यमय आवाजें आ रही हैं। दरअसल ये आवाजें एलियंस की है जो आपस में बात कर रहे हैं। फिर वार्ड कहता है कि ये सब बकवास है और वह वहां से चला जाता है। इसके बाद लविना के माता पिता को दिखाया जाता है, दोनों अपने घर जा रहे थे। तभी उन्हें अपने सामने एक बहुत ही भयानक जानवर दिखाई देता है। उसकी आंखों का रंग चमकीला गुलाबी था। इसके बाद वे घर लौट जाते हैं, जहां लविना का छोटा भाई बाहर अकेला बैठा था और वह गुलाबी रंग भी वही चमक रहा था। लविना की माँ अपने छोटे बेटे को वहां से उठाती है और लविना के पिता उसके बड़े भाई को डांटते हैं कि तुमने अपने छोटे भाई को अकेला कैसे छोड़ दिया। लविना के पिता पहाड़ी जानवरों को एक कमरे में बांध देते हैं। लविना के पिता जब नहा रहे होते हैं तो उन्हें वहाँ एक अजीब सी जेली मिलती है। जब वह इसे अपने हाथ से उठाता है तो उसे अजीब लगता है, तो वह उसे फेंक देता है। इसके बाद वो जेली पिघलकर पानी के साथ बह जाती है। इसके बाद लविना के पापा टीवी देख रहे हैं और वह उसमें वही चमकीला गुलाबी रंग देखते हैं। साथ ही वह देखते हैं कि उनके हाथ में संक्रमण हो गया है, जो शायद उस जेली को छूने से हुआ होगा। लविना के दोनों भाई बाहर बैठे आपस में बातें कर रहे हैं और लविना फिर से दिखाई जाती है, जो फिर से रिचुअल कर रही थी। उसके दोनों भाई उस कमरे में आते हैं जहां उसके पिता ने पहाड़ी जानवरों को बांध दिया था। वहां जाकर उन्होंने देखा कि वे जानवर पहले से ज्यादा भयानक हो गए और उनमें से गुलाबी रंग निकलने लगता है। तो लविना के दोनों भाई भागने लगते हैं। फिर लविना की माँ अपने छोटे बेटे को पकड़ लेती है और जब वह दौड़ रहा होता है, फिर वह रोशनी लविना की माँ और उसके बेटे पर पड़ती है और इस वजह से दोनों एक साथ चिपक जाते हैं। वहीं लविना के पिता वहां आते हैं और वह कहते हैं कि हमें उन्हें अंदर ले जाना चाहिए, और माँ बेटे दोनों की हालत बिगड़ती जा रही थी। तो लविना के पिता अपने बेटे से कहते हैं कि तुरंत डॉक्टर या पुलिस को बुलाओ, लेकिन नेटवर्क की समस्या के कारण उनको कॉल नहीं लग रहा था। और सुबह होते ही लविना के पिता अपनी कार स्टार्ट कर रहे होते हैं, वह भी स्टार्ट नहीं हो रही होती है। लविना अपनी माँ और भाई के साथ है। वह देखती है कि उनकी हालत गंभीर होती जा रही है और माँ शायद अपने बेटे को उससे अलग कर रही है। तभी लविना के पिता अंदर आते हैं और अपने दोनों बच्चों से अंदर आकर कहते हैं कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, शायद किसी ने इसकी बैटरी खराब कर दी है। कुछ समय बाद लविना के पिता उन पहाड़ी जानवरों को अपनी बंदूक से मार देते हैं। तब वे दोनों बच्चों से कहते हैं कि नीचे जाओ। फिर वह अपनी पत्नी को बंदूक से मारने के लिए जाता है, लेकिन वह ऐसा करने में
असमर्थ हो जाते हैं। जब लविनिया और उसका भाई रात में अपने घोड़े को बांधने जाते हैं तो वे देखते हैं कि उनका कुत्ता भौंक रहा है। तो लविनिया का भाई उसे वहां से निकालने जाता है। फिर उससे भी गुलाबी रंग की रोशनी निकलती है जिसके कारण लविनिया का बड़ा भाई गायब हो जाता है। फिर लविनिया के पिता उसे एक जगह ले जाते हैं और एक कमरे में बंद कर देते हैं। फिर वार्ड दिखाई देता है जो पुलिस के साथ उनके घर जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ लविनिया की माँ और छोटा भाई एक मॉन्स्टर में तब्दील हो गए और वे लविनिया पर हमला करते हैं। तो वह चिल्लाने लगती है और वार्ड भी उसके चिल्लाने की आवाज सुनता है। तो पुलिस दरवाजा तोड़ते हुए अंदर घुस जाती है और इसके बाद लविनिया के पिता ने अपनी पत्नी और बेटे को गोली मार दी। लविनिया के पिता उसे लेकर नीचे की ओर बढ़ते हैं और अब पुलिस अधिकारी सोचते हैं कि लविनिया के पिता उसे भी मारना चाहते हैं। इसलिए पुलिस लविनिया के पिता को बंदूक से फायर करते हुए मौत के घाट उतार देती है। ये देखकर लविनिया रोने लगती है और उसने वार्ड के साथ जाने से मना कर दिया। फिर वार्ड उसे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा, तुम यहीं रुको। फिर वार्ड पुलिस के साथ उस बूढ़े आदमी के घर जाता है। वे देखते हैं कि बूढ़ा आदमी मर गया है। कुछ देर बाद उस बूढ़े की लाश भी एक्सप्लोर करने लगती है और वही गुलाबी रोशनी वहां से निकलती है। तो वार्ड और पुलिस अधिकारी गाड़ी के बाहर दौड़ते हैं, लेकिन एक पेड़ पुलिस अधिकारी को ऊपर की ओर खींच लेता है और वह मारा जाता है। फिर वार्ड उसकी बंदूक लेकर निकल जाता है और वह लविनिया के पास वापस आता है। जैसे वह उसकी ओर मुड़ता है, फिर वह जांचता है कि लविनिया अजीब रूप में बदल गई है और उसकी आंखों का रंग भी गुलाबी हो गया है। तो वार्ड नीचे गिर जाता है। फिर लविनिया की बॉडी से तूफान की तरह गुलाबी रंग निकलता है, फिर उसमें लविनिया भी खो जाती है। फिर वार्ड एक कमरे में जाता है जहां वो लविनिया के पिता को नोटिस करता है जो फिर से जी उठे थे और वह अपनी पत्नी बेटे और लविनिया की आवाज बोलने की क्षमता प्राप्त कर चुका था। इसके बाद वह वार्ड पर हमला कर देता है, लेकिन वार्ड किसी तरह जान बचाकर वहां से भाग जाता है। उसने खुद को एक छोटे से कमरे में बंद कर लिया। तब बहुत चमकीला गुलाबी रंग निकलता है और वार्ड जो अभी भी उस कमरे में बंद था, बाद में अगली सुबह का नजारा दिखाया जाता है। वार्ड कमरे से बाहर आता है और वहां सब कुछ सफेद हो गया। फिर वह जांचता है कि कहीं कोई अलौकिक शक्ति तो नहीं है जिसने यह किया है, और इस जगह का पानी सामान्य नहीं है। इस पानी को पीने वाले की मौत हो जाती है। अब वह वहां अकेला रह गया। वह कहता है कि मैं यह पानी कभी नहीं पीऊंगा। और फिल्म यही खत्म हो जाती है।